अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनाया जी। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये तो आज हम लोग अपने किचन में बनाने लगे हैं शमवारी कढ़ाई। उसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। 1 kg हमने लेना है चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ले लेना है 2 से 3 चम्मच, और 1/2 kg हमने ले लेना है टमाटर, 4 हमने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, और ऑयल और हल्दी और नमक। बस ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। आइए अब हम इसको पकाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने डाल दिया है गोश्त को कढ़ाई में, और इसमें अब मैं डालूँगी 3 पाव के करीब ऑयल। आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हो, तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। बाद में आप इसको निकाल लीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो जाए। ये तो मैंने डाल दिया है इसमें 3 पाव ऑयल। अब मैं इसको थोड़ा सा करूँगी फ्राई। जी तो फ्रेंड्स, हमारा जो गोश्त है पकने लग गया है, देखिए। और मैं किसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा था कि आप चम्मच चेंज कर लें आपकी, तो मैंने कर लिया है चम्मच चेंज। मैं कह रही थी कि आप चम्मच चेंज कर लो, इस तरीके से बर्तन ख़राब हो जाएंगे नॉन स्टिक के, तो इसलिए मैंने चम्मच चेंज कर लिया है। मैं अच्छे तरीके से इसको रोस्ट करूँगी। मैं इसमें ऐड करती हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक। हाँ जी, तो हमारा गोश्त हो गया है रेडी, लाइट ब्राउन। अब हम सारे टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही आप लोगों ने धो के अंदर डाल देने, इनका छिलका नहीं उतारना ना ही इनको काटना है। अब हम इसको ढक के रखते हैं ताकि ये गल जाए। चम्मच के साथ थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि ये भी घी में फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से, और छिलका फिर आसानी से उतर जाए। तो व्यूअर्स, देखिए हमारे टमाटर भी हो चुके हैं तैयार। अब हम इसका घी पहले निकाल लेते हैं, और फिर टमाटर सारे राही निकाल के हम इनका छिलका उतार लेंगे। हाँ जी, तो देखिए मैंने सारा घी निकाल लिया है। अब मैं टमाटरों को निकाल दूँगी प्लेट में। देखिए सारे टमाटर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ताकि ईजीली हम लोग इसका जो है छिलका रिमूव कर दें। देखिए मैंने सारे टमाटर प्लेट में निकाल लिए हैं। हाँ जी, तो मैंने सारे जो है टमाटरों का छिलका उतार लिया है। अब हम इसको करते हैं मैश अच्छे तरीके से। देखिए ऐसे हम सारे टमाटर मैश कर लेंगे, और दोबारा से चिकन में ऐड कर देंगे। जी तो अब हम डालते हैं सारे टमाटर कढ़ाई में, और साथ ही हमने ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। लेकिन उसके साथ मैंने डाल दिया है 1 कप पानी। अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने मिक्स कर लिया था, और अब हम इसको दोबारा से ढक के रख देंगे। देखिए मैंने सारे जो है टमाटर ऐड करनी है। अब मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी, साथ ही मैंने ऐड कर दी हैं 2 मिर्चें सब्ज़ साबत ही, और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। हाँ जी, तो अब हमारी हंडिया हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। मैं इसमें और करती हूँ थोड़ा सा घी ऐड, क्योंकि मैंने पहले इसका जो था घी वो निकाल लिया हुआ था। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और इसमें घी ऐड करती हूँ, तो अच्छे तरीके से इसको भून लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी लुक है, आप लोग भी